सामने एक्टिवा ओल्ड मॉडल, ठीक है, रीस्टोर होगी, फिर उसका जैसे मॉडिफिकेशन की जाए। कंडीशन आप देख लो उसकी कैसी है, ये देख सकते हो। तो जिस तरीके से ये फाइबर वगैरह हो गया तो ये काम किया जाएगा, काम शुरू हो चुका है। जैसा कि इसका आप देखोगे आगे का मडगार्ड वगैरह जो है, जिसमें डेंट पेंट का काम करके, और अब यह लुक आ गया। और अब ये फाइनल नहीं है इसका, ये इसकी डिक्की वगैरह होगी, तो जो पार्ट सही रहते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। और अभी क्या है, ये स्पॉट वगैरह आपको दिख रहे होंगे, तो ये स्पॉट वगैरह जब हटेंगे तो इसका सेकंड कोट होगा। या ये वही जेन्युइन पार्ट्स है, बस सारा सामान मैंने निकाल रखा है कि क्या क्या लगाने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हैंड गार्ड ले रहा हूँ मैं, किसी भी बाइक में किसी भी स्कूटी में लग जाएगा, फिर देख सकते हो आप, तो ये भी लग जाती है जी की ओरिजिनल फॉक लाइट की देखोगे, जिसमें दो कलर मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी सारे कलर मिल जाएंगे, जो आपको आगे वाला टायर होता है उसके नट पे लगता है। ये देख सकते हो हैंड ग्रिप लगाने वाले, कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट हैं लॉन्ग है तो बस स्विच कर सकते हैं। स्प्रिंग वाले फुटरेस्ट हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है ये CYT की लाइट है, जिसमें आपको डबल साइड इंडिकेटर मिलेगा। ये देखो यूनिक लुक, और इस साइड भी इंडिकेटर, यानी कि इधर भी इंडिकेटर मिलेगा, इधर भी इंडिकेटर। 370 हॉर्न है, इस तरीके की कोई चलान नहीं है, सेट लगता है दो। तो बाइक के पीछे नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पर लगेगी, आपकी इंडिकेटर यहाँ पर लगेंगे, और सेंटर लॉक HGG का, ये गवाह होगा कि आपने यहाँ से लिया है और इस समय लिया है। जरूरी है यार, दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने स्टार्टिंग में देखा है, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाला हूँ। आप दोस्तों अपने सामने है एक्टिवा ओल्ड मॉडल, और ये एक्चुअली क्या है, रीस्टोर होगी, फिर उसका जैसे मॉडिफिकेशन की जाएगी। जैसे कि कंडीशन आप देख सकते हो इसकी, तो पूरे के पूरा इसका जो पार्ट्स वगैरह डैमेज हो चुके हैं, लेकिन इसमें मेटल के पार्ट होते हैं। इसका एक एडवांटेज ये मिल जाता है, इसको आप डेंट पेंट करा के दोबारा से यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर फाइबर का होता तो ख़राब हो जाता। तो पहले इसको जो है, जो उसका जो है डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, फिर जो पार्ट्स में ख़राब है वो हो गया, सर्विसिंग वगैरह देखी जाएगी। कंडीशन आप देख लो उसकी कैसी है, हो गया तो ये काम किया जाएगा, ये चेंज किए जाएंगे। इसके अलावा ये वाला पार्ट भी इसका ख़राब हो रहा है, ये सब, तो जितना काम इसमें है ना, अभी आप देख सकते हो ज़्यादातर रीस्टोरेशन का है, उसके बाद फिर करेंगे मॉडिफिकेशन। तो अभी के सिनेरियो में कंडीशन की कुछ इस तरीके से, फिर करूँगा फाइनल और फिर दिखाऊंगा फाइनल पे। तो अभी आप देख लो, अगर बैक साइड से भी देखो, इधर बैक साइड से भी दिखा दो, तो ये देखो। तो अभी इसको क्या खोल के और फिर इसके जो है पार्ट्स को भेजते हैं रीस्टोरेशन होने के लिए, यानी कि इस पर जो डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, फिर करेंगे इसको मॉडिफाइड। स्कूटी आई थी, मैंने आपको इसका स्टार्टिंग का वीडियो दिखाया था, इसकी कंडीशन कैसी थी, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसको रीस्टोर करेंगे, और रीस्टोर करने के बाद फिर इसे करेंगे मॉडिफाइड। तो अभी क्या है, इसमें काम शुरू हो चुका है। जैसा कि इसका आप देखोगे आगे का मडगार्ड वगैरह जो है, जिसमें डेंट पेंट का काम करके, और अब यह लुक आ गया। और अब ये फाइनल नहीं है, अभी इसमें रबिंग वगैरह होगी, पॉलिश वगैरह होगी, फिर आएगा इसमें क्लीनअप, और ब्रांड न्यू वाला लुक तो वो आएगा। इसके अलावा फोर स्लाइडर लग गए हैं, ये देख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये वाला पार्ट भी देख सकते हो, इसका ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। बैक साइड से पेंट का काम इसका कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा मोटा जो दिक्कत थी वो भी इसमें करके, और अब इसमें कर रहा है मॉडिफिकेशन का काम। कुछ इसके पार्ट्स निकले हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के, कि वो पार्ट्स कैसे हैं। तो जी ये देखो इसके पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट हो गया इसका, ये इसकी डिक्की वगैरह होगी, तो जो पार्ट्स सही रहते हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। ये नहीं है कि सारी जो है पार्ट्स को नए लगाना है और खर्चा बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्ट जेन्युइन होते हैं, लगता है कि यूज़ में आने वाले, तो उनको यूज़ में ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देखो इस पर एक एक कोट हुआ है, और अभी क्या है, ये स्पॉट वगैरह आपको दिख रहे होंगे, तो ये स्पॉट वगैरह जब हटेंगे तो इस पर सेकंड कोट होगा। और अभी ये वाले पार्ट भी आप देख सकते हो, इस पर भी पेंट कर दिया है, ये वही जेन्युइन पार्ट्स है जो लग कर आए थे, और जो ख़राब ज़्यादा ही कंडीशन है जिनकी, तो वो जो है चेंज कर दी जाती है। तो ये देखो गाइस, तो ये आ गया इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू, क्योंकि काफ़ी जगह से नक्के वगैरह उसके हट रहे थे, तो अब ये लगेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक्सेसरीज क्या लगाने वाले हैं, तो वो एक्सेसरीज और देख लेते हैं, और फिर दिखाएंगे आपको बीच में अपडेट, और फिर दिखाएंगे आपको फाइनल पे। यहाँ पर सारा सामान मैंने निकाल रखा है कि क्या क्या लगाने वाले हैं एक्टिवा में। जैसा कि आप देख सकते हो उसमें सब कुछ है, जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं, जो कि लुक्स के लिए हैं, सेफ्टी के लिए हैं, ऑल ओवर जो जितनी भी एक्सेसरीज इसमें निकाल रखी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हैंड गार्ड ले रहा हूँ मैं, जो कि इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं। और भाई जितनी भी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ सारी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल जिन लोगों को नहीं पता है, अगर मैं आपको बता दूँ, किसी भी बाइक में किसी भी स्कूटी में लग जाएगा ईजिली। हैंड गार्ड हो गए, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा DRLs हैं, इसमें लाइट जलती है, दो कलर की जलती है, येलो जलती है, वाइट, तो इसे भी आप कहीं भी लगा सकते हो। उसके पीछे 3M की टेप होती है, तो ये भी लग जाती है, तो ये लगाने वाले हैं। इसके अलावा ये स्विच है, सिंगल स्विच है, दोनों तरीके की लाइटें कंट्रोल करता है, येलो भी लाइट कंट्रोल करेगा और वाइट भी करेगा, यानी कि सिंगल स्विच से। और लाइट कौन सी है, वो है HGG की ओरिजिनल फॉग लाइट, ये देख सकते हो। तो ये HGG की ओरिजिनल फॉग लाइट हो गई, जिसमें दो कलर मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, येलो और वाइट। और प्रॉपर जो है इसकी वायरिंग वगैरह साथ में आती है, किसी तरह की कोई अल्टरेशन नहीं होती है, और जेन्युइन HGG की है ओरिजिनल। और दोस्तों इसके अलावा ये फोर स्लाइडर हो गए,
कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो बाकी काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। और ये फोक्स लाइटर का बेसिकली जो आपको आगे वाला टायर होता है उसके नट पे लगता है यहाँ से, ताकि आपकी डिस्प्ले वगैरह, आपकी सस्पेंशन वगैरह डैमेज ना हो कभी भी, अगर आपकी जो है बाइक, आपकी स्कूटी गिरती है तो, इसलिए होते हैं। और लुक तो है भाई वो तो काफ़ी अच्छी आ जाती है। हैंड ग्रिप, ये जैसे भाई हैंड ग्रिप लगाने वाले जिन्हें मुट्ठी कहते हैं आसान भाषा में, तो वो लगेगी एडजस्टल वाले क्लच एंड लीवर्स। कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट हैं, लॉन्ग है, तो बस स्विच कर सकते हैं यहाँ पर, ये पास हो जाता है, दूर हो जाता है, काम वही करेगा, काफ़ी इजी, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। लुक CNC में होता है, ये देखो प्रोडक्ट। तो ये भी लगाने वाले हैं। फुट रेस्ट, ये देखो जी, ये फुट रेस्ट है, स्प्रिंग वाले फुट रेस्ट हैं, और लुक देख सकते हो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो ये लगाने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है ये CYT की लाइट है, जो कि हेडलाइट का जो आपका जो बल्ब होता है वो निकलेगा और ये वाला बल्ब लग जाएगा, तो ये होता है, ये लगेगा। इसके अलावा मिरर लगा रहे हैं जिसमें आपको डबल साइड इंडिकेटर मिलेगा, ये देखो यूनिक लुक, इस साइड भी इंडिकेटर और इस साइड भी इंडिकेटर, यानी कि इधर भी इंडिकेटर मिलेगा, इधर भी इंडिकेटर मिलेगा, और जब जलेगा ना भाई रनिंग में आएगा, बहुत ही यूनिक और ऑसम लुक आता है इसका CNC में। और शुरू में बता चुका हूँ, किसी बाइक में, किसी भी स्कूटी में आप लगवा सकते हो। और अगली जो सीरीज है वो है D70 हॉर्न है, और इस पर किसी भी तरीके का कोई चलान नहीं है, सेट लगता है दो का, ये देख सकते हो, ये हॉर्न हो गए, वायरिंग वगैरह ऐसे भी साथ में आती है। अगली यहाँ पर जो है ये टेल टाइडी वगैरह है, अगर ये लगी तो लगाएंगे, जिस तरीके से बाइक के पीछे नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पर लगेगी, आपकी इंडिकेटर यहाँ पर लगेंगे और ये लग जाएगा यहाँ पर, अगर स्कूटी में सेटिंग बनी अच्छी लगी तो ही लगाएंगे इसको, ये बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑप्शन के लिए। तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा SGG का ओरिजिनल यहाँ पर सेंटर लॉक है, SGG का सायरन मिलता है, दो चाबियाँ मिलती हैं आपको कुछ इस तरीके से फ्लिप वाले स्टाइल में, ब्लास्टर मिल जाता है, वायरिंग वगैरह सबको साथ में मिलती है। इसको लगाने के बाद अपनी बाइक को आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, पार्किंग में कहीं लगा रखी है तो ये बटन दबा सकते हो, उसमें काफ़ी सारे फीचर और भी हैं, फाइनल में बात करेंगे। ये हो गया सिमटेक का हैज़ार्ड और सिमटेक के LED बल्ब, जिसमें आपको 1 साल की गारंटी मिलती है, LED बल्ब की मिलती है आपको 3 साल की गारंटी, फ्यूचर में कभी भी ख़राब होता है तो आप नए ले सकते हो, काउंटर रिप्लेसमेंट। और इसमें एक इस तरीके का पत्र मिलता है, इसको भर के दिया जाएगा, जो ये गवाह होगा कि आपने यहाँ से लिया है और इस समय लिया है, तो ये एक चीज़ है। हैंड गार्ड हो गए, स्ट्रिप्स DRL लाइट्स यूनिवर्सल हैं, कारों में आपने देखी होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा बाइक में लगाते हैं हम, इसी का कवर है, एक ही वाइजर हो गया। तो अब इन सारी वस्तुओं को पहले फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल पे कैसा लुक आता है।
तो वैसे तो मैंने आपको बीच बीच में काफी सारी अपडेट दी थी, शुरू में कंडीशन दिखाई थी स्कूटी की कैसी थी। ये 110 सीसी की थी, 2010 का मॉडल था, काफी ज्यादा बेकार कंडीशन में नहीं थी, ज्यादा अच्छी कंडीशन में थी, लेकिन ये है कि कुल मिला के ये था कि बहुत ज्यादा पुरानी लग रही थी जो उसके हालात थे। तो आप देखते हैं कैसी बनी आई है। But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. तो यहाँ अपने सामने है ब्रांड न्यू होंडा एक्टिवा 110 सीसी, और इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो लिया गया, जैसे कि आपको पता है स्कूटी का कलर है ब्लैक एंड वाइट, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो चीज़ें ऐसी हैं जो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से थी। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे बोल रखा था कि जो आपका दिल करे वो आप करो, लेकिन कुछ अलग करो, अच्छा करो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे लुक इसका तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और जो तो पार्ट वगैरह जो मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्ट्स के ऐसे थे जो बिल्कुल डैमेज थे तो उनको हटा दिया है, और भी काफ़ी सारे पार्ट्स थे जो टूट गए, और काफ़ी सारे पार्ट्स उसमें जो है दोबारा से रीयूज़ किए गए, क्योंकि इसको आपको पता है एक्टिवा का एडवांटेज यही है कि इसके ज़्यादातर पार्ट जो है वो मेटल के होते हैं। तो उसमें जो डेंटिंग पेंटिंग का काम किया गया वाइट कलर की, तो वाइट कलर ही किया गया ताकि कोई चलान का इशू ना हो, और कुछ पार्ट ऐसे थे जो नए लगे। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो ये वाला पार्ट था इसका, ये काफ़ी ज़्यादा वाहियात लग रहा था, पुराना लग रहा था, तो ये पूरा नया लगा दिया, कुछ पार्ट्स पर पेंट कर दिया है, तो ये तो हो गया पार्ट्स का। और आप इधर भी देख सकते हो फिनिशिंग, और इस तरफ से भी आप देख सकते हो फिनिशिंग। ज़्यादा स्टिकरिंग का काम नहीं किया गया, बस छोटा सा ये लोगो जो आता है वो लगा दिया है एक्टिवा का। तो ये हो गया। इसके अलावा आप दोबारा से फ्रंट में आओ और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा लुक आता है। सबसे पहले इसमें एक सेंटर लॉक भी लगाया गया, क्योंकि अब इतनी अच्छी बनवा लोगे तो सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी आपको पता ना चोरी कर सकता है। तो ये होता है आपका सेंटर लॉक, जिससे आप इसको लॉक कर सकते हो। अब अगर कोई इसको टच करेगा इस साइड में या फिर इस साइड में, ठीक है, तो ये साइरन क्रिएट करती है, इस तरीके से अलर्ट कर देती है, और ये जितनी बार करेगा उतनी बार ये बजती रहेगी, ठीक है। इसको आप अनलॉक कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं, फिर भी बजने का ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पार्किंग में मान लो आपने कहीं स्कूटी लगा दी है और आपको पता करना है कहाँ है, या पार्किंग वालों ने जगह चेंज कर दी, आप खुद भूल गए हो, तो ये बटन दबा सकते हो। ये है पावर बटन, ये इसको स्टार्ट करने के लिए है, ठीक है। लेकिन हम इसको मैनुअली ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें और हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जैसे ही आप चाबी ऑन करते हो TRL देखने को मिलता है, जो कि आपको पता चलेगा लुक इसका। ये लो जी, ओहो, अब देखो दोबारा ऑफ करता हूँ, तो ये हो गया TRL, जो कि फर्स्ट टाइम अभी तक किसी ने नहीं लगाया, और ये मैंने पर्सनली अपने हिसाब से करवाया है। और ये जो कलर रेड का लिया गया है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी किसी और कलर का भी ले सकते हो, वाइट भी ले सकते हो, इसके अलावा आप ग्रीन ले सकते हो, येलो ले सकते हो, बट रेड काफ़ी ज़्यादा किलर लुक दे रहा है। तो DRL के बाद जो लुक है वो इसका काफ़ी अल्टीमेट हो चुका है दोस्तों। इसके अलावा बात करेंगे अगर वाइज़र की, तो एक वाइज़र लगा दिया जो काफ़ी छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा भी नहीं है, अच्छा है, बाकी ज़रूरी भी नहीं, आप चाहो तो नहीं भी लगवा सकते हो, कस्टमर चॉइस के हिसाब से लगा दिया है, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा फॉगलाइट यहाँ पर लगाई, जिसमें दो कलर मिलते हैं, एक मिलता है येलो, एक मिलता है वाइट। यहाँ पर स्विच लगा रखा है इसका, सिंगल स्विच है, लेकिन मज़े की बात ये दोनों लाइटें कवर करेगा। ये देखो जैसे मैंने इसको नीचे किया वाइट, और फोकस देख लो इसका, यहाँ देखो मेरे ऊपर, और अभी हो गया येल्लो। अब येल्लो क्या रहता है, बेसिकली जैसे बरसातें हैं या फॉग है, कोहरा वगैरह है, तो उसमें आप येल्लो ऑन कर सकते हो, एक्सीडेंट काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। और इसका बेसिकली जो नाम है वो है HJG की मिनी ड्राइव फॉग लैम्प, जो कि सबसे ज़्यादा बिकती है HJG ब्रांड की। तो ये फॉग लाइट हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप होगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फोर्क स्लाइडर, सस्पेंशन वगैरह डैमेज नहीं होते, जो कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, सस्पेंशन प्रोटेक्टर है ये, डिस्प्ले वगैरह टेढ़ी नहीं होती। अगर आप बाइक में लगवाते हो और अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे जाते हो तो ये सारा पार्ट आपका सेफ रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो अलॉय व्हील थे सिल्वर कलर के आते हैं, आप लोग जानते हो कि इसे ब्लैक कर दिया है। अब आप चाहो इसको मैट में ले लो या ग्लॉस में ले लो, ये अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। तो ब्लैक कलर के इसमें अलॉय कर दिए हैं फ्रंट एंड रेयर दोनों। फ्रंट का तो यहाँ पर लुक हो गया ये वाला। अब आओ यहाँ पर हैंड गार्ड पे, तो हैंड गार्ड पे जैसे ही ब्रेक लगाओगे ब्लू, दूर से दिखाओ दोनों, तो ये रहेंगे ब्लू। लेकिन अगर आपने इंडिकेटर दिया तो देखो गाइस येलो। इसके अंदर LED बल्ब भी लगा रखा है, स्मोक ग्रे रैपिंग कर रखी है हेडलाइट और इंडिकेटर पे, डिसेंट लुक देने के लिए, और साथ ही में लगा रखा है हैजार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। जो आपका इंडिकेटर वाला स्विच है इसको आपने लेफ्ट राइट बीच पे दबाना है या फिर राइट लेफ्ट बीच पे प्रेस करना है। इसे मैंने एक बार प्रेस किया, आप देखो हैजार्ड एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ से देख सकते हो आप, ये हैजार्ड हो गया इसका एक्टिवेट। लेकिन ये पैटर्न इतना फास्ट है कि ये इसमें दिख रहा है,
लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा। अब इसके लिए दूसरा पैटर्न लगाता हूँ मैं, और इसमें पैटर्न मिलते हैं गाइस कम से कम आपको 20 से 25। तो 20 से 25 पैटर्न मिलेंगे, जितनी बार आप लेफ्ट राइट पीछे प्रेस करोगे उतनी बार ही इसके पैटर्न चेंज हो जाएंगे। और दूसरा पैटर्न देखता हूँ अभी भी नहीं जरा, अब देखो। तो ये है मिरर जिसमें आपको डबल साइड इंडिकेटर मिलता है। आप पहले पीछे से ही देख लो, जैसे कि हमने चाबी ऑन की तो ये वाइट रहेगा, इंडिकेटर दोगे तो जो है येल्लो है, और अगर आप येल्लो की बात करोगे तो ये रनिंग में है देखो, जो कि इशारा करेगा कि हाँ जी किस साइड का इंडिकेटर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, और आपका ये तो है ही। लुक हो गया, अब आओ इस साइड में, और इस साइड में आपको दिखाना चाहूँगा इंडिकेटर का लुक। ये देखो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है ये, और ये यूनिवर्सल है, बाइक पे भी लग जाएगा, स्कूटी पे भी लग जाएगा, डजंट मैटर आप लोगों के पास कौन सी स्कूटी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब पे लग जाता है। और जब इस तरीके की मशीन तैयार करके आप बैठोगे ना, ओए होए होए होए, एक बार तो लोग ज़रूर देखेंगे मुड़ के भाई। अब आ जाओ दोबारा से पास में, और यहाँ पर आप देखो एडजस्टल वाले लीवर्स का सेट लगा रखा है। कुछ लोगों की फिंगर शॉर्ट है, कुछ लोगों की लॉन्ग है, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो कि आपको कहाँ रखना है। जैसे मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये आगे हो जाएगा। CNC मेटल में है, इस साइड भी देख सकते हो, वही सेम कलर की हैंड ग्रिप लगा रखी है। ये देखो इसमें बार एंड मेटल के लगा रखे हैं, थोड़ा सा दूर भी कर दिया है। और हैंड गार्ड लगाने का एक फ़ायदा ये भी है, मान लो कभी स्कूटी गिरेगी तो आपके क्लच और लीवर डैमेज नहीं होंगे। एक मोबाइल होल्डर अनब्रेकेबल, और यहाँ से लुक आ रहा है ये वाला इस एंगल से। ठीक है जी, अब आओ आप यहाँ पर सीट पे। डिजाइनिंग देखो भाई, इसका बेसिकली नाम है क्रूजर प्लस टूरिंग सीट। डिजाइनिंग ही नहीं, इसकी जो कंफर्ट है ना, इसे मैं अगर सोफा सीट कहूँ, इस पर अगर आप बैठ गए ना तो आप ये मैं सोच रहा सीट पे बैठ गए, आप समझो मैं घर पे बैठा हूँ आराम से। ठीक है, सोफा सीट हो गई। एक यहाँ पर बैकरेस्ट है जो कि राइडर चला रहे होंगे, यानी जो चलाएगा उसकी सेफ्टी के लिए, यानी कि पीठ की जो है ना सेफ्टी, रेस्ट के लिए। बाकी जो पिलन राइडर है वो उनके लिए यहाँ पर दे रखा है बैकरेस्ट, अलग से लगा रखा है, हट भी जाता है, कोई टेंशन नहीं है। डिजाइनिंग देखो, लुक देखो, कलर देखो। कलर वगैरह आप प्लेन भी ले सकते हो, और भी ज़्यादा कलर चाहिए तो वो भी लगवा सकते हो। जितनी भी इसमें चीज़ें हैं वो कस्टमर की चॉइस के हिसाब से है गाइस। तो सीट कैसी लगी जरूर बताना, स्कूटी चाहे कोई भी हो आप लोगों के पास, सबकी सीट बन जाएगी इस तरीके की। स्प्रिंग वाले फुटरेस्ट हैं, ये देखो गाइस बहुत ही जबरदस्त लुक दे देते हैं। यहाँ पर मैट भी लगा रखा है, और उस तरफ से अगर आप देखोगे तो सेम आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। अब आइए आप बैक साइड में, और बैक साइड में आपको यहाँ दिखाएंगे LED बल्ब, इसके अलावा टेल टैडी। और टेल टैडी जो है अभी तक आपने बहुत ही कम इसलिए कह रहा हूँ ना कि बराबर, क्योंकि आपने बाइक में तो टेल टैडी देखी होगी, जो पीछे का पार्ट होता है ना इसको हटाकर, तो यहाँ पर टेल टैडी और कैंडी वाले इंडिकेटर लगा रखे हैं। ये देख सकते हो छोटे छोटे इंडिकेटर लगा रखे हैं इसमें, और इस साइड से भी देख सकते हो आप, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और बाकी फोकस ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा रहता है, एडजस्टेबल वाली रहती है, कलर जो आप चाहो उसमें मिल जाएंगे, लेकिन ये येल्लो ज़्यादा यूनिवर्सल है, काफ़ी अच्छा लगता है और ज़रूरी भी है गाइस इंडिकेटर। तो ये हो गया, यहाँ पर इंडिकेटर हो गया, यहाँ पर इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है ही आपके, ये जरा फैंसीज हैं एक एक्स्ट्रा टेंशन लेने के लिए है। बाकी आप देख सकते हो लुक कैसा आ रहा है पीछे का। ठीक है, अब आप आओ इस साइड, और इसको दिखाएंगे हम इस साइड करके, उधर से आओ तभी मज़ा आएगा। अब आप देखो इस साइड में एग्जॉस्ट, ओ भाई साहब, यहाँ से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सुपर बाइक का टच आ रहा है। बैंड पाइप एग्जॉस्ट देखो भाई, और इसका साउंड भी सुनाऊंगा लास्ट में। तो पहले आप डिज़ाइन देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है इसका, और कितना प्रीमियम लुक आ रहा है। यहाँ से देखो गाइस, ये हो गया, और अब इसको लेके चलेंगे बाहर, और थोड़ा सा अंधेरे में दिखाएंगे कि अंधेरे में इसका जो लुक है वो कैसा आता है, फॉग लाइट का फोकस कैसा है, इसकी अटेंशन कैसी है। और सुना देता हूँ पहले मैं आपको इसका एग्जॉस्ट का साउंड। दोस्तों यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ एग्जॉस्ट का साउंड। यहाँ पर हमने स्कूटी कर दिया स्टार्ट, और स्टार्ट पर साउंड ये वाला आएगा। वैसे तो काफी सारे एग्जॉस्ट और भी हैं अपने पास, जो आप चाहो वो लगवा सकते हो। बाकी इसका सुन लो साउंड कैसा है। बाहर लेकर आ चुके हैं हम, और ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, करीब 7 का टाइम है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। बाकी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका जो है नाइट में, अगर आप इसको जो है फॉग लाइट वगैरह या इसका अगर आप लाइट वगैरह DRL वगैरह जो लगा रखे वो कैसा लुक आता है। जैसे मैं इसकी चाबी ऑन करूंगा तो लो जी, तो ये है इसका लुक, ये देख सकते हो आप।
हैजार्ड वगैरह आप देख सकते हो। इसके अलावा जो फॉग लाइट वो भी ऑन करता हूँ, बाकी आप देखो पहले डीआरएल, इसके हैजार्ड बंद कर देता हूँ मैं, अब डीआरएल देखो इसका। और अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका फॉग लाइट का फोकस। तो फॉग लाइट के लिए आपको सामने देखना पड़ेगा, ये देखो जी, ये है येलो, और इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, यहाँ से इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आपको कहाँ सेट करना है, ये हो गया येलो और ये हो गया वाइट। अब आप देखो इसका फोकस कैसा है, और दोनों के ही फोकस बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अंदर जो हेडलाइट लगाई थी CYT की, तो वो उसका ही फोकस दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ फॉग लाइट को। लो जी, ये देखो CYT का फोकस, ठीक है। अब इसको करते हैं बंद, और अब आप देखो फॉग लाइट का फोकस, ये लो जी, येलो और वाइट। तो ये हो गई आपकी नाइट में, अभी तो खैर ज़्यादा रात नहीं है, जब आप करीब इसको 9-10 बजे के करीब अगर आपने इसको चाबी ऑन कर दी ना भाई, तो कहते हैं गुप अंधेरा, तो उसमें कमाल ही कर देगी है। ये देखो, और इसमें एक मजे की बात ये है, हैंड गार्ड में जो ब्रेक लगाओगे ना, मैंने आपको बताया था, तो ये ब्लू है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी नहीं काफ़ी लंबी हो गई, जो मैंने आप लोगों से शेयर करी, और ये एक उदाहरण है वीडियो, ताकि अगर आप लोगों के पास भी कोई स्कूटी है, इंस्पिरेशन है, आपके पापा की है, दादा की है, आप चाहते हो उसको रिशो कराना, या उसको एक उसके असली वजूद में लाना चाहते हो, क्योंकि इसमें दो काम हुए हैं। पहला काम हुआ है इसके स्कूटी को इसके असली वजूद में लाना, वजूद से मेरा मतलब है कि जैसी दिखती है पहले, जैसे कि इसके जो बॉडी पार्ट्स हो गए, जिसके एक्चुअल बॉडी पार्ट्स हैं, उसको रिशो करना, पेंट करना, फिर उसको लगाना, फिर उसके बाद देन इसमें मॉडिफिकेशन का काम इसमें किया गया। और मॉडिफिकेशन जो है वो कोई हद नहीं होती, आप किसी भी लेवल पर कर सकते हो, कितनी भी ज़्यादा कर सकते हो, ये डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइस पे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चीज़ दिखाई, कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करेंगे आप प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग के लिए देखो गाइस दो सेगमेंट होते हैं। अगर आप इसको सिर्फ रीस्टोर करा रहे हो, तो रीस्टोर में कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप लोगों के इंजन में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को पता है अगर इंजन में कोई दिक्कत आ जाए, फिर क्या दिक्कत है, क्या चीज़ खराब है, पिस्टन खराब है, क्या चीज़ खराब है, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी अगर एक नॉर्मल बात करूँ कि रीस्टोर करा के फिर आपको उसको ऐसा मॉडिफाइड करोगे, तो 25,000 से 30,000 के अंदर आपका खर्चा इसमें आ जाता है। अगर आप खाली मॉडिफिकेशन करोगे तो 10 से 15,000, बाकी अगर आप नॉर्मल रिशो कराओगे तो 10-12,000 के अंदर ये सब चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों। तो ये थी आपकी होंडा एक्टिव 110 cc। आप लोगों के पास कोई भी स्कूटी हो, सब पर मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो अपनी ओनली ऑन SKD वाइगल्ड पर। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।